पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इसमें एक सीट के प्रत्याशी की कहानी बाकियों से जरा हटकर है। ये सीट है सालतोरा की। सालतोरा विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के अंतर्गत आती है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंदना बावरी ने जीत दर्ज की। बीजेपी की चंदना बावरी का मुकाबला टीएमसी के संतोष मंडल से था। चंदना ने सीट 4,145 के अंतर से जीती और खास बात यह है कि इस बार सीट पर बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदले। तो आइए आपको बताते हैं बीजेपी प्रत्याशी चंदना बावरी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। चंदना बावरी के पति एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजाना सिर्फ 400 रुपए कमाते हैं। चंदना बावरी ने सलतोरा सीट से अपना नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसके मुताबिक उनके खुद के बैंक खाते में सिर्फ 6,335 रुपए हैं, जबकि उनके पति के खाते में महज 1,561 रुपए। चंदना बावरी के शपथ पत्र के अनुसार उनकी कुल अचल संपत्ति 31,985 रुपए है, जबकि उनके पति की कुल अचल संपत्ति 30,311 रुपए है। बाकी संपत्ति के नाम पर उनके पास 3 बकरी, 3 गाय और 1 झोपड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी चंदना या उनके पति दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना परिवार चलाते हैं। हालांकि चंदना अपने पति से ज्यादा पढ़ी हुई हैं। उनके पति सिर्फ 8वीं पास हैं, जबकि चंदना खुद 12वीं तक पढ़ी हैं। दोनों पति पत्नी मनरेगा कार्ड होल्डर भी हैं। चंदना बीजेपी की वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सलतोरा सीट से जब उनके नाम की घोषणा की तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस बात की जानकारी उन्हें उनके पड़ोसियों ने दी। चंदना के पति हालांकि पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, लेकिन उनका कहना है कि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका उत्पीड़न किया, जिसके बाद वो बीजेपी के साथ जुड़ गए। पिछले चुनाव में टीएमसी को इस सीट पर 84,979 वोट मिले थे और उन्हें 12,000 वोटों से ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी सीट पर टीएमसी के स्वप्न बोरी ने धमाकेदार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी से चंदना बावरी ने बाजी मार ली है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।